टुडेज लंच बॉक्स फॉर किड्स। तो आज मैं अपनी जून के लिए तैयार कर रही हूँ लंच बॉक्स। मैंने ले लिया है यहाँ पे ये वाला लंच बॉक्स। अगर इस लंच बॉक्स की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज का लंच बॉक्स पूरा चॉकलेट फ्लेवर का है। रूबीना सुल्ताना ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप एक लंच बॉक्स तैयार करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर के हर चीज़ हो। तो आज का वीडियो उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट की सैंडविच तैयार कर ली है। ये हर्षी चॉकलेट सिरप आता है ना, उसका सैंडविच मैंने तैयार कर लिया है। आपके बच्चों को जो भी पसंद है आप उसका सैंडविच बना सकते हैं, लाइक आप न्यूट्रेला का बना सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया था स्मूथ, जो कि वो भी है चॉकलेट फ्लेवर का, साथ में दो डार्क फैंटेसी बिस्किट। इसके बाद मैंने डाल दी थी एक कपकेक, जो कि मेरे बच्चे को कपकेक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए ये भी डाल दी थी। तो ये है पूरा चॉकलेट फ्लेवर का। आप रूबीना सुल्ताना वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। टुडेज लंच बॉक्स फॉर किड्स। तो आज मैं अपनी जून के लिए तैयार कर रही हूँ लंच बॉक्स। मैंने ले लिया है यहाँ पे ये वाला लंच बॉक्स। अगर इस लंच बॉक्स की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज का लंच बॉक्स पूरा चॉकलेट फ्लेवर का है। रूबीना सुल्ताना ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप एक लंच बॉक्स तैयार करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर के हर चीज़ हो। तो आज का वीडियो उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट की सैंडविच तैयार कर ली है। ये हर्षी चॉकलेट सिरप आता है ना, उसका सैंडविच मैंने तैयार कर लिया है। आपके बच्चों को जो भी पसंद है आप उसका सैंडविच बना सकते हैं, लाइक आप न्यूट्रेला का बना सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया था स्मूथ, जो कि वो भी है चॉकलेट फ्लेवर का, साथ में दो डार्क फैंटेसी बिस्किट। इसके बाद मैंने डाल दी थी एक कपकेक, जो कि मेरे बच्चे को कपकेक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए ये भी डाल दी थी। तो ये है पूरा चॉकलेट फ्लेवर का। आप रूबीना सुल्ताना वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना।